हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करने जा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, वेदर हकीकत में ये लॉ है या एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। तो ये दो शब्दों में हमको पहले फ़र्क जानना है कि आखिर ये है क्या, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमको बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्या कारण है इस एक्ट को बनाने का, क्या कारण है इस एक्ट के बारे में, इस लॉ के बारे में जानने का, क्या इसका कोई सिद्धांतन कानून पास किया गया है, यदि कानून पास किया गया है तो कौन सा है, और कानून पास नहीं किया गया है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया कहाँ से। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पोर्शन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकला है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकला है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक के ऊपर किया जाने वाला प्रशासन, वो प्रशासन कैसे हो। अच्छा, हमारे ऊपर अगर कोई प्रशासन करना चाहता है तो वो प्रशासन क्यों कर रहा है, भाई क्या कारण है कि वो मेरा प्रशासक है। मैंने इंडिविजुअल इस संसार में जन्म लिया है, मैं अपनी प्रारब्ध से जी रहा हूं, मैं अपनी मौत से मर जाऊंगा, फिर आखिर ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसको अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जिस समय सोसाइटी डेवलप हुई, सोसाइटी कैसे डेवलप हुई होगी, एक व्यक्ति है, उसके संतान उत्पत्ति हुई, संतानों के संतानें हुई और संतानें हुई, इस प्रकार कई एक पीढ़ियां हुई और कई एक पीढ़ियों के बाद वो एक कबीला बन गया। कबीले में कई एक चीज़ें ऐसी घटित होने लगी जिससे कि उस कबीले को स्वयं में बचाना मुश्किल पड़ गया। तो यदि कबीला स्वयं में बचाना चाहता है तो क्या करे, उसको एक रूल बनाना पड़ेगा। एक परिवार में अगर 20 लोग हैं और उस परिवार में एक सिंगल बाथरूम है, तो सुबह के टाइम पर जिस समय सभी को बाथरूम जाना होता है, जिस समय सभी को नहाना है, तो उस समय हमको कुछ रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। प्राथमिकता किसको देनी है, बुजुर्ग को प्राथमिकता देनी है, पेशेंट को प्राथमिकता देनी है, स्टूडेंट को प्राथमिकता देनी है, व्यापारी को घर में प्राथमिकता देनी है, किसको प्राथमिकता देनी है और किसको किस समय पर जाना होता है, क्योंकि एक बाथरूम में ही 20 लोगों को एडजस्ट भी करना है, ये भी फैक्ट है। तो 20 लोगों के लिए 20 बाथरूम बनाए जाएं, उससे अच्छा है कि 20ों के डिस्प्यूट ना हो, इसलिए एक ही बाथरूम में सभी का एक रेगुलेशन बना दिया जाए। ये जो रेगुलेशन बनाया वो किस लिए बना, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यही तो प्रशासन है कि घर में कोई तोड़े नहीं, हमने जो रूल बना लिए, जो रेगुलेशन बनाया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कोई तोड़े नहीं। अगर कोई तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर टूटेगा बार बार तो फिर सभी तोड़ने लगेंगे, और जब सभी तोड़ने लगेंगे तो डिस्प्यूट के ग्राउंड बनेंगे, और डिस्प्यूट के ग्राउंड अगर बनेंगे तो फिर वो परिवार कहां रह जाएगा, वो तो फिर युद्ध का मैदान हो जाएगा, और हमें अपने परिवार में युद्ध का मैदान नहीं चाहिए। तो हमारे लिए जरूरी है कि एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार की जाए घर में, चाहे वो भोजन करते समय हो कि सबसे पहली रोटी कौन खाएगा और पहले कौन खाएगा और बाद में कौन खाएगा, अगर लिमिटेड स्रोत हैं तो लिमिटेड स्रोतों के माध्यम से जिस व्यक्ति को अर्जन करना है उस व्यक्ति को उन लिमिटेड स्रोतों से ही एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। यदि एक नल से पानी आता है और एक गांव में एक ही नल बना है या एक ही कुआं बना है, तो गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो पहले पानी कौन भरेगा, उसके लिए हमको रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। और जो भी रेगुलेशन हम बनाएंगे, जो भी अधिकारी हम अपॉइंट करेंगे, जो भी व्यक्ति को इस बात की चेक करने के लिए लगाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, वो प्रशासन का पार्ट होगा। इसको ही हम लोक प्रशासन, मींस प्रशासन फॉर पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक। पब्लिक कैसे रेगुलेट हो, तो पब्लिक के रेगुलेशन के लिए हमको कुछ नियमावली बनानी पड़ेगी, और जो नियमावली हम बनाएंगे
जो भी नियमावली हम बनाएंगे वो नियमावली ही हमारे ऊपर राज्य करेगी। इसी बात को कह के हम एक बड़ा प्रिंसिपल लेके आते हैं जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। किसका शासन है? नोबडी इज द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इज द लॉ। कानून का ही शासन चलता है। शुरुआत जब इस सोसाइटी की हुई होगी तो पूरे संसार में भारत का जो पोर्शन था, चूंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े राइटर्स मैक्स मूलर वगैरह कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं पनपा और लीगल थ्योरीज अगर कहीं डेवलप हुई तो दैट वाज द सॉइल ऑफ इंडिया। ये भारत भूमि थी जहां पर इस प्रकार की मिट्टी में जन्म हुआ और इन रूल्स और रेगुलेशंस का जन्म हुआ और यहां पर धर्मशास्त्रों के रूप में लोगों को कटिबद्ध कर दिया गया। सो द सिस्टम इन इंडिया वॉज धार्मिक। भारत में जो सिस्टम था वो धार्मिक था। देयर वॉज नॉट एनी पुलिस सिस्टम इन इंडिया। भारत में 1860 से पहले कोई पुलिस सिस्टम नहीं था। पुलिस सिस्टम तो अंग्रेज लाए। भारत में क्या सिस्टम था? भारत में धार्मिक सिस्टम था। और धार्मिक सिस्टम के पीछे क्या था? धार्मिक सिस्टम के पीछे रूल ऑफ लॉ। और जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करने के लिए, जिसके लिए वो रूल ऑफ लॉ बनाया गया, उसको फॉलो करने के लिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज ए ड्यूटी। नोबडी हैज द राइट। एंशिएंट इंडिया में जो भारत का इतिहास है या धर्मशास्त्र है, मनु को अगर पढ़ेंगे तो कहीं पर नारद को छोड़कर, नारद ने तो पॉजिटिव लॉ की कुछ बात कही है, लेकिन नारद को छोड़कर किसी ने भी राइट्स की बात नहीं की। ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग अ ड्यूटी। ड्यूटी कैसे निर्धारित हो? बाय द धर्मशास्त्र। पिता की पुत्र के प्रति क्या ड्यूटी है? पुत्र की पिता के प्रति क्या ड्यूटी है? मां की बेटे के प्रति क्या ड्यूटी है? बेटे की मां के प्रति क्या ड्यूटी है? पुरुष की स्त्री के प्रति क्या ड्यूटी है? स्त्री की पुरुष के प्रति क्या ड्यूटी है? जमीन का क्या धर्म है और व्यक्ति का क्या धर्म है? व्यक्ति के लिए पेड़ किस स्थिति में है, पौधे किस स्थिति में है, वायु किस स्थिति में है और जल किस स्थिति में। हर एक चीज, संसार की हर एक चीज जिसका अपना एक गुण धर्म है, एंशिएंट इंडिया में उन गुण धर्मों को पहचाना गया। और उन गुण धर्मों को पहचानने के बाद उसके सबके नेचर बताए गए और सबको धार्मिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया गया, ताकि एनवायरमेंट भी खराब ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन भी खराब ना हो। इन्वायरमेंट भी खराब ना हो, इन्वायरमेंट से मतलब अगर हम सूर्य की रोशनी का मिसयूज करेंगे, यदि हम जल का मिसयूज करेंगे, यदि हम सॉइल जमीन का मिसयूज करेंगे, या फिर हम पेड़ पौधों का मिसयूज करेंगे, जानवरों का मिसयूज करेंगे, तो फिर ये स्थिति जो नेचर ने बनाई वो डगमगा जाएगी। क्योंकि भारतवासियों का मानना था कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है, हू एवर से मतलब चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो और चाहे वो पौधा या पेड़ हो, हर एक का अपना गुण है और हर एक का अपना कर्तव्य है। इसीलिए जब भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया, जब उन्होंने धर्मशास्त्र बनाया, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धर्मशास्त्र बनाया। और उस धर्मशास्त्र में हर एक चीज जिसका सृजन इस धरती पर हुआ, हर एक चीज जिसका सृजन इस धरती पर हुआ, सृजन इस धरती से मतलब जो चीज आपको बेकार से बेकार इस दुनिया में लगती है कि ये बेकार है और इसका यूज नहीं है, उस हर एक चीज का अपनी एक उपयोगिता है। आप मलमूत्र की बात करते हैं कि यह अनुपयोगी है। मलमूत्र खेतों में जाकर वो उपज का काम करता है और पौधे को जान देता है। आप जो चीज, आप कहते हैं कि गाय भैंस का गोबर बेकार है, वो गोबर उपज का काम करता है, वो फर्टिलिटी देता है। तो हमारी हिंदू फिलॉसफी में, भारतीय फिलॉसफी में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और इस संसार के पूरे सिस्टम को एक सूत्र में बांध कर किसी भी क्रिएशन का, किसी भी चीज का जो इस संसार में बनी है, उसका ना तो मिसयूज हो और ना ही उसका वेस्टेज हो। इसलिए हमने हर एक चीज पर रिसर्च की। सूर्य का धर्म बताया, चंद्रमा का धर्म बताया, ग्रहों के धर्म बताए,
तारों के धर्म बताए, वायु का धर्म बताया, इन्वायरमेंट का धर्म बताया, पेड़ का धर्म बताया, पौधे का धर्म बताया। हमने कहा अग्नि का धर्म जलाना है, अग्नि का धर्म जलाना है, अग्नि विनाशकारी है, नो डाउट। लेकिन अग्नि अगर सदुपयोग किया जाए तो उपयोगी भी बहुत है, एनर्जी क्रिएशन करती है, उसके बगैर चल नहीं सकता कुछ। तो हमने कहा कि अग्नि का धर्म जलाना है। अब उस धर्म का इस्तेमाल मानव किस प्रकार करता है, यह उसका धर्म अग्नि के प्रति बता दिया। अग्नि का धर्म जलाना और मानव का धर्म अग्नि का सदुपयोग करना। अग्नि के ऊपर जल का धर्म हमने बताया, अग्नि को बुझाना। जल के धर्म के रूप में हमने कहा जल का धर्म अग्नि को बुझाना है। अब दो धर्मों, कौन से धर्म है, एक अग्नि का धर्म, एक जल का धर्म, एक जलाने का कार्य करती है और एक बुझाने का कार्य करती है। मानव को बोला कि तुम्हारा अपना धर्म है कि इन दोनों का सदुपयोग करो ताकि मानव कल्याण हो सके, ताकि इस संसार का कल्याण हो सके। आप अगर यह कहें कि जानवर बेकार हैं, इनको हम काट के खा जाएंगे, तो भारतीय फिलॉसफी कहती है कि जानवर बेकार किसी भी हालत में नहीं है, वो अपने योग्य, वो जीवित हैं या वो दुधारू हैं, दूध देते हैं नहीं देते, लेकिन वो पृथ्वी को इतना देते हैं कि उसका एडजस्टमेंट होता है। वो मल देते हैं, वो गोबर देते हैं, वो पौधा देते हैं, वो पौधों को खाते हैं, वो पौधों में विचरण करते हैं। हर्बीबोरस और कार्बीबोरस हैं। हर्बीबोरस जो फूल पत्तियों को खाते हैं, फूल पत्तियों को खाने वाले जानवरों को मीट खाने वाले जानवर खाते हैं, शेर खाता है, और शेर जब मरता है तो वो फिर पृथ्वी में मिलता है और पृथ्वी में ह्यूमिड खाद पैदा करता है और फिर वो पौधे को देता है और फिर पौधा विकसित होता है और फिर उसको पौधा खाने वाला जानवर खाता है और पौधे खाने वाले जानवर को मांस खाने वाला जानवर खाता है। इस प्रकार एक साइकिल परमानेंटली इस संसार में चलती है। तो वो कहता है कि जो चीज भी आपको लगता है कि अनुपयोगी है, वो चीज भारतवासियों ने उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया। धतूरे को हमने कहा कि धतूरे का अपना धर्म है। आपके पास एक दवा आती है बेलाडोना नाम की, बेलाडोना को हिंदी में धतूरा कहते हैं, लेकिन वो मेडिसिन भी है और यदि अत्यधिक ली जाए तो वो जहर भी है। तो धतूरे का धर्म है। अब उसके धर्म के अकॉर्डिंग कितना इस्तेमाल करना है ये मेरा धर्मशास्त्र बताता है। यानी कि इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक को और इस पूरे ब्रह्मांड को बेटर एडमिनिस्टर करने के लिए, उसमें प्रशासन बनाने के लिए, किसी के भी लिए उपयोगिता सिद्ध करने के लिए हमने उसमें ड्यूटी ओरिएंटेड बताया और हर एक की ड्यूटी बताई। सूर्य की ड्यूटी है रोशनी देना, अग्नि की ड्यूटी है आग लगाना, पानी की ड्यूटी है बुझाना, ये सबकी ड्यूटियां हैं और वो अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपके आदेशानुसार काम कर रहा है। इसमें अग्नि का दोष नहीं है कि वो लग गई, इसमें जल का दोष नहीं है कि वो उसने अग्नि को बुझा दिया, ये हमारा दोष है कि हमने अग्नि जल वायु का इस्तेमाल सही से नहीं किया। इन सबका इस्तेमाल हो सिस्टमैटिक, उसके लिए हमने हर एक क्रिएशन, हर एक उत्पत्ति जिसका सृजन पृथ्वी पर हुआ है, जो चाहे अवतरित हुई हो चाहे वो मनुष्य के द्वारा खोज की गई हो, वो हर एक चीज को हमने साइंटिफिकली सर्च आउट करने की कोशिश की और उन सबके हमने गुणधर्म बताए और उन गुणधर्मों के आधार पर सभी की ड्यूटी फिक्स कर दी। उस ड्यूटी के में अब एक बात आती है कि ये जो धर्मशास्त्र से एक शाखा निकली मनुष्य को डील करने के लिए, धर्मशास्त्र से एक शाखा क्या कई एक शाखाएं निकली जिसमें हमने सूर्य का धर्म बताया, चंद्रमा का धर्म बताया, अग्नि का धर्म बताया, तारों का धर्म बताया, ब्रह्मांड का धर्म बताया, सभी के धर्म बताए कि इनका ये धर्म है और इनकी ये चाल है और इस चाल के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे और उसका इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ेगा और मानव पर इस प्रकार से उसका असर पड़ेगा, हमने सब बताया। उसकी एक शाखा जो मनुष्य को डील करती है, वो शाखा लॉ के रूप में आई जिसको हमने विधि कहा, विधान कहा साथ में, विधान विधि का विधान, यानी कि जो भी विधि है उसको बनाने वाले ने
इस नेचर से उस चीज को लेकर हमको दिया। किस लिए दिया? ताकि किसी भी चीज का मिसयूज ना हो सके और कोई भी चीज मेरे लिए अनुपयोगी ना हो सके। हर एक चीज की उपयोगिता है और उस उपयोगिता के अनुसार उसका इस्तेमाल होना है। यदि हम उन सभी चीजों को, आपके घर में अगर 10 चीजें हैं और उन 10 चीजों का इस्तेमाल अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप कर लें तो वो सभी चीजें उपयोगी होती हैं। लोग कूड़े से घर सजाते हैं और कुछ घर की अच्छी चीजों को फेंक देते हैं। तो जो कूड़े से घर सजाते हैं, आप टेलीविजन पे अक्सर कोई ना कोई चैनल दिखाता रहता है कि साहब ये कौन है, ये साहब कूड़े से सामान बीन के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं और इनका घर देखो कितना प्यारा इन्होंने बनाया है, कूड़े से सामान। तो जो उपयोगी चीजों की उपयोगिता को सिद्ध कर लेता है वो सफल कहलाता है और जो उपयोगी चीजों को अनुपयोगी बनाकर समझकर छोड़ देता है वो विनाश की ओर जाता है। तो भारतवर्ष में धर्मशास्त्रियों ने कोशिश की कि किसी भी प्रकार से कोई भी चीज अनुपयोगी ना हो। हर एक चीज की उपयोगिता है क्योंकि यदि ईश्वर ने कोई चीज बनाई है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने ऐवे ही बना के फेंक दी, उसने ऐसी बनाकर फेंक दी, गाय बनाई, जानवर बनाए, भैंस बनाई, बकरी बनाई, बकरा बनाए, ऐसे ही नहीं बना दिया। हमको बनाया, सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, उसने यदि बनाया है तो उसका एक उद्देश्य रहा होगा और उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता को लेकर आया होगा। हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, पेंच भी रखे हैं, नट बोल्ट भी रखे हैं, कोई स्ट्रक्चर भी रखा है। अब हमको यदि उसको इस्तेमाल करना नहीं आता तो मेरे लिए वो कूड़ा है और जिसको उसको इस्तेमाल करना आता है वो उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना देता है। भारतवासियों ने ये जो रॉ मटेरियल के रूप में सभी चीजें ईश्वर ने दी, उन चीजों की उपयोगिता को ढूंढते हुए हर एक नट बोल्ट को उसके ही स्क्रू में टाइट कर दिया और टाइट करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसको धर्म कहा गया। और इस धर्म के माध्यम से सभी चीजों को रेगुलेट करने का प्रयास किया और जो चीजें मनुष्य को रेगुलेट करने के लिए बनी उसको आपने प्रशासन कहा। That was the प्रशासन। और इस प्रकार की जो विधियां बनी उसको हमने प्रशासनिक विधि कहा। That is the administrative law। जो पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक मतलब एक समूह, एक 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 नजर में जनता के इस्तेमाल के लिए हमने उसको बनाया और सभी को एक सूत्र में बांधकर सबकी ड्यूटियां। आप सोच के देखो एक चीज, आज का जो इंग्लिश समाज है, इंग्लिश समाज से मतलब भारत आज मानसिक गुलामी की दौर में जी रहा है, तो आज की मानसिक गुलामी के समय पर व्यक्ति के दिमाग पर अपने वेदों पुराणों ग्रंथों पर विश्वास कम हो गया और अंग्रेजी एजुकेशन पर विश्वास ज्यादा हो गया। ठीक, तो आप पुराने सिस्टम को देखिए, अगर आप उनके सिस्टम को लेकर आए और आपने उसको भारत में अडॉप्ट किया तो उसका नतीजा उन्होंने राइट ओरिएंटेड समाज बनाया। उन्होंने कहा कि पिता के पिता का पुत्र के प्रति अधिकार है, पुत्र का पिता के प्रति अधिकार है। अधिकारों का क्या होता है? लड़ाई। जहां अधिकार है वहां लड़ाई भी है। तो वो एक मैक्सिम बनाते हैं, ऊबी जैसी वी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो अधिकार है तो उपचार है। और हमने कहा जहां कर्तव्य है वहां उपचार की आवश्यकता ही नहीं है। जहां कर्तव्य है वहां उपचार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं है। अधिकार विवाद पैदा करता है और वो विवाद से फिर उपचार करने का प्रयास आप करते हैं। आप सोचिए कि यदि आपके पिता और पुत्र के बीच में ड्यूटी बता दी जाए कि पिता की ड्यूटी है कि पुत्र का अच्छे से पालन पोषण करे और पिता का पुत्र के प्रति कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्तव्य है कि वो अच्छे से अच्छे संस्कार दे और उसका पालन पोषण करे, उसके विकास में सहयोग दे और पिता का कोई अधिकार नहीं है, और पुत्र को यदि कह दिया जाए कि पिता के द्वारा किए जाने वाले सहयोग के एवज में उसका कर्तव्य बनता है कि वो पिता की हर एक बात माने
और पिता के दिखाए हुए रास्ते पर चले और पिता की आशाओं को पूर्ण करें और पिता की मानसिक जो जरूरतें हैं या मानसिक चीज मानसिक रूप से जो उनके दिमाग में है उस चीज उनकी भावनाओं को समझे और उसको पूरा करे, यह पुत्र का कर्तव्य है। क्या पिता और पुत्र के बीच में कभी झगड़ा हो सकता है? पिता और पुत्र के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता यदि पुत्र अपने कर्तव्यों को समझ ले और पिता अपने कर्तव्यों को समझ ले। लेकिन अगर पिता को पुत्र के प्रति अधिकार दे दो और पुत्र को पिता के प्रति अधिकार दे दो तो सिवाय विवाद के कुछ नहीं होना। इसीलिए उन्होंने कहा ऊबी जैसी वीर मीडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। उपचार से मतलब लेजिस्लेशन का डंडा और कानून का डंडा। जेल बनाई किस लिए? उपचार करने के लिए। भारतवर्ष के इतिहास में कहीं कारावास बहुत मुश्किल से दिखाई देते थे। प्रिंसिपल क्या था? व्यक्ति को यदि वो पाप करता था, यदि वो पाप करता था तो व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए मजबूर किया जाता था। पाप करने पर पश्चाताप करना पड़ता था। यदि उसने पिता ने पुत्र को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं वो मजबूर हो गया नहीं दे पाया तो वो इस बात का पश्चाताप करता था कि मैं अपने पुत्र की जो विकास है उस विकास को उस प्रकार नहीं कर पाया जिस प्रकार मुझे करना चाहिए। उस पश्चाताप के एवज में, जब उसको पश्चाताप होता था तो पश्चाताप के एवज में वो दूसरे बच्चों के साथ करता था, मैं अपने पुत्र के साथ नहीं कर पाया लेकिन आज मेरे पास संसाधन है तो मैं दूसरे पुत्रों के साथ कर सकता हूं जिनके पास संसाधन नहीं है। इसी प्रकार पिता पुत्र, पुत्र अगर पिता के साथ बहुत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको कहीं पर नौकरी मिल गई और दूसरी जगह चला गया और पिता की सेवा नहीं कर पाया तो उसको पश्चाताप करना पड़ता था और उस पश्चाताप में उस एरिया में रहने वाले जो और पिता हैं बुजुर्ग उनकी सेवा वो करता था। मंदिरों में भिखारियों की सेवा करता था, जमीन पर रहने वाले प्राणी जिनके पास भोजन नहीं उनकी सेवा करता था, जानवरों की सेवा करता था, पेड़ और पौधों की सेवा करता था। क्यों? क्योंकि हमने कर्तव्य ओरिएंटेड बनाया था और कर्तव्यों के उल्लंघन या कर्तव्यों को पूरा न कर पाने पर पश्चाताप का प्रिंसिपल लाए थे, उसको जेल में नहीं ठूस दिया था, उसको हमने कारावास में नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि हम अगर पश्चाताप भी करवाते थे उसे तो पश्चाताप में हम दूसरों की भलाई करवा जाते थे। उसको यदि पनिशमेंट भोगना है तो वो स्वयं अपने इच्छानुसार किसी की सेवा करके भोग ले, उससे भी समाज का कल्याण ही होना है, उससे समाज का नुकसान नहीं होना। और अंग्रेजी शिक्षा क्या लाई? एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे लाई? उसने कहा ईवीजा सुमी रेबेडियम, सबके अधिकार हैं और अधिकारों का हनन करने पर, अधिकारों का उल्लंघन करने पर रेमेडी है, हम आपको रेमेडी देंगे और रेमेडी के रूप में हम आपको जेल में ठूस देंगे। तो जेल में ठूसने के बाद उसकी जो कार्य क्षमता थी, जो कार्य करने की क्षमता थी, उस क्षमता का हनन हुआ, उससे हमने कार्य नहीं लिया, उसको जेल में रख दिया, उसके भोजन की व्यवस्था जेल में करवाई और उसको अंदर रखने के लिए एक टीम बनाई जिसको सरकारी खजाने से वेतन और दिया। तो वो जो अधिकार ओरिएंटेड प्रिंसिपल आया उस प्रिंसिपल ने पूरे सिस्टम को भंग कर दिया और नए नए जॉब्स का सृजन होने लगा और नई भ्रष्टता फैलने लगी। इस प्रकार लोगों को, जो 10,000 लोग अगर एक जेल में बंद हुए और उसमें 9,000 लोग ऐसे थे या 9,500 लोग ऐसे थे जो ड्यूटी ओरिएंटेड समाज अगर होता तो सुधर जाते। 100-200 हजार में तो 100-200 या 50-60 तो ऐसे होंगे जो बदतमीज होंगे जिनको सुधारा नहीं जा सकता। उन 50 ने अपनी फिलॉसफी उन 950 को दे दी तो 950 का भय निकल गया, पश्चाताप का प्रिंसिपल निकल गया। जब वो जेल से छूट के आए तो वो और उल्टा अपराध करने लगे। पश्चाताप के प्रिंसिपल में वो किसी अपराधी से मिलता ही नहीं था, वो तो अपने पश्चाताप में अपने सिन, जो उसने गलती की, जो उसने पाप किया, उस पाप का पश्चाताप करता था, उसमें भी समाज की भलाई ही करता था, उससे नुकसान नहीं होता। ना तो राजा को उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता था, ना उसको कारागार बनाने पड़ते थे, ना कारागार के अधिकारी बनाने पड़ते थे और ना ही उन अधिकारियों को वेतन देने के लिए उसको अधिक कर वसूलना होता था। सब कुछ स्वतः चलता था। यह धर्मशास्त्र का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भारत में बना। इसी को अंग्रेजों ने, दूसरे शब्दों में कहा, इसको बनाने के लिए हमारे पास एक सुप्रीम लॉ होना जरूरी है।
एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, पार्टिकुलर क्षेत्र से मतलब जो ज्योग्राफिकली डेटा है, जैसे भारतवर्ष की अपनी बाउंड्रियां हैं, उन भारतवर्ष की बाउंड्रियों में उनको चलाने के लिए या तो शास्त्रों का इस्तेमाल किया जाए, तो अंग्रेज ने शास्त्र का तो सिस्टम ही खत्म कर दिया, तो अब क्या किया अंग्रेज ने, अंग्रेज ने राइट ओरिएंटेड बना दिया, तो विधि बना दी, और उस विधि को बनाने के लिए एक सुप्रीम लॉ, एक सुप्रीम लॉ जिस विधि के पास सर्वाधिकार थे, बाकी सभी विधियां उन विधियों से निकली हैं जिसको आप संविधान के रूप में जानते हैं। तो हमको उस लैंड पर एक ऐसी विधि चाहिए जिसको हम संविधान के रूप में जाने, जिसमें सभी मेजर फैक्टर इंक्लूड हो और उन सभी मेजर फैक्टर्स की लिंकिंग हो और सभी को पावर वहां से दी जाए। अब चूंकि लेजिस्लेशन, संविधान आपने बनाया, संविधान के कुछ मूलभूत तरीके आपने बनाए होंगे, तो उसमें हमने संविधान को तीन हिस्सों में बांटा, एक विधायिका यानी कि लेजिस्लेशन, दूसरा न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, और तीसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। हमने तीन हिस्सों में सिस्टम को बांट दिया। इन तीन हिस्सों में जो हमने डिवीजन किया, जिसको हमने कहा कि सिस्टम को चलाने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अच्छा प्रशासन चलाने के लिए, आपको सुप्रीम विधि को, जो सर्वोच्च विधि है, उसको तीन हिस्सों में बांट दीजिए। अब आपने जुडिशरी बना दी, तो जुडिशरी के अधिकार कर्तव्य कहीं आप देंगे, तो उस अधिकार कर्तव्य, जितने हम मुख्य अधिकार कर्तव्य दे सकते थे संविधान में दिए, और उसके अलावा हमने उसकी संविधियां बना दी। उन संविधियों में उन अधिकारियों का और उन लोगों का जो जुडिशरी के माध्यम से उपचार प्राप्त करेंगे, उनके ड्यूटियां बना दी, उनके अधिकार बना दिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव में, जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति से लेकर और नीचे तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके नीचे के अधिकारी बिठा दिए, एक सीरीज बना दी, और ऐसा करने, ये इनके दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक विधायिका अलग बना दी, यानी कि पार्लियामेंट अलग बना दी, जो दोनों के लिए विधियां बनाने का कार्य करेगी। यह क्या था, इट इज फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे रूप से प्रशासन चले, इसलिए हमने ये तीन हिस्से किए। अच्छा, अब पार्लियामेंट सारे लॉ बनाए, ऐसा संभव भी नहीं है कि पार्लियामेंट सारे लॉ बना के दे, तो हमने उसके लिए पावर को डेलीगेट किया। पावर का डेलीगेशन कैसे, हमने पार्लियामेंट की पावर विधानसभाओं को दी, ताकि वो अपनी विधानसभा, अपने राज्य के अंदर अपने हिसाब से कानून बना सके। हमने विधानसभाओं की कुछ पावर, यानी पार्लियामेंट की कुछ पावर, नगर महापालिकाओं को दे दी, या ग्राम या नगर पंचायतों को दे दी, उनसे भी छोटी यूनिट हमने सभासदों को या फिर ग्राम प्रधानों को दे दी। इस प्रकार हमने जो सुप्रीम पावर थी संविधान से, लॉ बनाने की पावर जो विधायिका के पास थी, उस पावर को पार्लियामेंट से डेलीगेट करके, पार्लियामेंट से प्रत्यायोजित करके नीचे गांव तक पहुंचा दी। क्यों पहुंचा दी, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर 500 लोग हैं भारत में, पार्लियामेंट हमारी 550 की बनी हुई है, 540-543 इलेक्शन होते हैं, 540 लोग पूरे भारत की कंडीशन को नहीं वहन कर सकते। मेरे मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है और मेरे मोहल्ले में नाली घूम के बननी है कि नाली सीधी बननी है, ये पार्लियामेंटेरियन नहीं बता सकता, ये मेरे मोहल्ले के लोग ही बता सकते हैं कि नाली कैसी बननी है जहां से सभी का पानी पास हो जाए। तो पावर हमको डेलीगेट करनी पड़ेगी उस नाली को बनाने की। अगर सुप्रीम लेजिस्लेशन ने ऐसा बना दिया कि नहीं साहब, नालियां जहां भी बनेंगी वो सीधी बनेंगी, अब गांव में आवश्यकता है, गली टेढ़ी मेढ़ी घूम गई, तो वो कह रहा है सीधी नाली बनेगी, यदि उस टेढ़ी बनाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और सीधी बनाते हैं तो मकान तोड़ के निकलनी पड़ेगी। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, ये पार्लियामेंट सॉल्व नहीं कर सकती, इसके लिए पार्लियामेंट को अपनी पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी, और जो एग्जीक्यूशन करेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में एग्जीक्यूशन करेगा, वो अपनी एक टीम पूरी जगह लगाएगा, और एट इंस्टेंट वो वहां पर डिसीजन लेगा कि नाली टेढ़ी जानी है या सीधी जानी। किस लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलता रहे, ऐसा ना हो कि नाली सीधी करने के चक्कर में किसी का मकान गिरा दिया और उसने डिस्प्यूट पैदा कर दिया, नाली टेढ़ी होने के चक्कर में पड़ोसी झगड़ा कर बैठा,
तो वहां की जो नगर पंचायत है या वहां की जो ग्राम पंचायत है या उस क्षेत्र के जो सभासद हैं वो बैठकर बड़े बुजुर्गों के साथ ये सलूशन निकालेंगे कि यहां की नाली कैसी बननी चाहिए ताकि सभी का पानी निकल जाए। यदि एक ने कहा मेरा चबूतरा ऊंचा है तो ऊंचा बनना चाहिए तो पीछे वाले का पानी भर जाएगा, एक ने कहा हमारा चबूतरा नीचा है तो साहब नाली ऊंची बना दोगे मेरे घर में पानी भर जाएगा तो नाली नीची बना दी। अब नाली ऊंची नीची बन गई तो वो पानी एक जगह पर भरा हो गया। ये पार्लियामेंटेरियन नहीं बताएगा, ना ही जुडिशरी बताएगी कि उसमें पानी कैसे जाना चाहिए, ये तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएगा, लोकल प्रशासक ही बता पाएगा कि नाली को कैसा रूप देना है। तो पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सारे लॉज का इस्तेमाल कर लें यह भी बड़ा मुश्किल है, उनकी पावर भी डेलीगेट करनी पड़ेगी। हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाने पड़े, डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमको लोअर कोर्ट बनाने पड़े, यहां तक कि हमको ग्राम पंचायतों में अधिकार कुछ देने पड़े, और उसके अलावा खेत खलियानों की नपाई बुताई के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी बनानी पड़ेगी ताकि वो मौके पर जाकर उसकी नापतोल करवा सके। आपके खेत की अगर जमीन कुछ कम ज्यादा हो जाती है तो उसकी नपाई करवाने कोर्ट का मजिस्ट्रेट तो आएगा नहीं, न्यायालय का मजिस्ट्रेट तो नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है। अब जो क्षेत्र में कौन रहता है जो इंटेलिजेंट भी हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, एसडीएम है, एडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानून गो है या लेखपाल है, ये सब उसकी शाखाएं हैं जो मौके पर जाकर स्थिति को देखकर कंट्रोल कर सकती हैं। तो हमको पावर जुडिशरी की पावर डेलीगेट करके क्वासी जुडिशियल सिस्टम में यानी कि अर्ध न्यायिक व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेशन को देनी पड़ेगी। और पब्लिक और सरकार, अब आपने एक उत्तरदायी सरकार बनाई तो पब्लिक और सरकार के बीच के जो रिलेशन है, जनता और सरकार के बीच के जो रिलेशन है, उन रिलेशनों को कंट्रोल करने के लिए मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो रहने वाला है झारखंड का, पैदा हुआ झारखंड, वहां की स्थितियां दूसरी थी, और उसकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में, वहां की स्थितियां दूसरी हैं। तो अब पब्लिक और सरकार यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे चले और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे हो और उनके लिए कौन सी विधियां बनाई जाए, किसके क्या रेगुलेशन है, डीएम के क्या कर्तव्य है और जनता के क्या कर्तव्य है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार हैं और जनता के क्या अधिकार हैं, इन सभी को आपको सिस्टमैटिक रेगुलेट करना पड़ेगा। और इनका रेगुलेशन ही, जो भी रेगुलेशन आप बनाएंगे, जो रूल्स आप बनाएंगे, जो बायलॉज आप बनाएंगे, वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पार्ट होंगे। सभी कहां से पावर लेंगे? संविधान से पावर लेंगे या अपनी संविधि से पावर लेंगे। लेकिन एट इंस्टेंट मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका काम करे और किसका ना करे और कितने दिन में करे और कैसे करे, ये हमको निर्धारित करना पड़ेगा। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना काम करता रहेगा, आपकी सुनेगा नहीं। और मेरे लिए कुछ कर्तव्य बताए जाएंगे कि डीएम अगर ऐसा आदेश देता है तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम मौके मुआयने पर जाओ और उसकी नापतोल करवाओ, ये तुम्हारे कर्तव्य भी डिसाइड किए जाएंगे। उनको जब लिखीबद्ध कर दिया जाता है, उस मैटर को जब कोडिफाइड कर दिया जाता है, उस कोडिफिकेशन को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक पिक्चर होगा।